नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीटी न्यूज झारखंड के बुलेटिन में। रूबरू होते हैं आज की खास खबरों से। मोभंडार आईसीसी कंपनी के मुख्य द्वार के समीप आज घाटशिला के अनुमंडल पदाधिकारी सत्यवीर रजक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुलदीप टोपो, शौर्य चक्र विजेता मोहम्मद जावेद, कार्यपालक दंडाधिकारी जयप्रकाश करमानी, घाटशिला अंचलाधिकारी राजीव कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार एस अभिनव, देश परगना बैजू मुर्मू, धानु टुडू, समाज सेवी सुनीता देवदूत सोरेन एवं अनेक प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर माल्यार्पण किया एवं उन्हें श्रद्धांजलि। इस दौरान घाटशिला के एसडीओ सत्यवीर रजक ने कहा कि बिरसा की शहादत आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा के समान है। उन्होंने 25 वर्ष की अल्पायु में देश के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दे दी। कुशल नेतृत्व क्षमता, दृढ़ इच्छा शक्ति के बदल उस समय के ताकतवर सामंतों और अंग्रेजों के विरुद्ध उलगुलान किया। मौके पर कालीराम शर्मा, जगदीश भगत, काजल डाउन एवं युवा संगठन से ब्रिज किशोर प्रसाद, जयदेव सिंह एवं कई लोग उपस्थित थे। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद। धरती आबा बिरसा मुंडा की, धरती आबा बिरसा मुंडा की, बिरसा मुंडा अमर है, बिरसा मुंडा अमर है। लोगों ने जो है, जैसे कि डीएसपी साहब, वीडियो सीओ सभी के द्वारा जो इनके शहादत दिवस के अवसर पर हम लोगों ने श्रद्धा सुमन आज अर्पित किया और साथ ही इनके दिए गए आदर्शों का जो विषम परिस्थिति में जो है कि स्वतंत्रता की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर गए और जो भी इन्होंने शिक्षा दी है उसमें चलने की आवश्यकता है और आज के डेट में इनके हम लोग याद कर रहे हैं और इनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं काफ़ी उल्लेखनीय था। उनके द्वारा जो समाज को दिया है उन्हें हम लोग चलने को आदर्श में चलने की कोशिश हम लोग करने के लिए आज हम लोगों ने रन लिया है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 121वीं पुण्यतिथि पर आज जमशेदपुर के परसुटी सोपो डेरा में बने बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर कांग्रेस और झामुमो नेताओं ने माला पहनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर कांग्रेसी नेता सुल्तान अहमद ने कहा कि धरती आबा बिरसा मुंडा महज 25 वर्ष की आयु में ही अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए एकजुट होकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया था और यह विद्रोह जिसे उलगुलान के नाम से जाना जाता है। मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रखंड संयोजक सुल्तान अहमद, प्रखंड अध्यक्ष आशीष ठाकुर, प्रखंड सचिव भरत कुमार सिंह, आजम हुसैन और झामुमो नेता मनोज नाहा उपस्थित थे। जमशेदपुर से रिपोर्ट साझा। आज जमशेदपुर प्रखंड कांग्रेस कमेटी के द्वारा धरती आबा भगवान वीर बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है, जिसके उपलक्ष्य में हमारे जमशेदपुर प्रखंड कांग्रेस की टीम ने बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के मूर्ति पर माल्यार्पण करके श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। उनकी पुण्यतिथि दिल से मनाई है। भगवान बिरसा मुंडा जो है ये सबसे सर्वप्रथम आज़ादी के नायक थे और अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाले, ये प्रथम झारखंड से जो एक गुलगुलान उठा था, इन्होंने ही अंग्रेजों के लड़ाई जंग छेड़ी थी, उसके बाद जो अंग्रेज और कमज़ोर होते चले गए, तो सीधे शब्दों में हम कहना चाहते कह सकते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा ही आज़ादी के लड़ाई लड़ने वाले पहले नायक थे, जिन्होंने देश के लोगों में एक आग पैदा किया, एक जज्बात पैदा की, जज्बा पैदा किया कि अंग्रेजों को देश से निकालना है। क्या आप अपना ज़रा परिचय बताइए ना। मेरा नाम सुल्तान अहमद है, जमशेदपुर प्रखंड संयोजक, जिला कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी एवं जमशेदपुर प्रखंड कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में सोपुंडरा गांधी मैदान चौक में श्री बिरसा मुंडा जी का पुण्यतिथि मनाया गया, जो कि इस झारखंड के धरती के महान दाता हैं। उनके मार्गदर्शन पर चलने का आज हम लोग ने संकल्प भी लिया और हम लोग ये मांग रखते हैं झारखंड सरकार को, उनके तमाम परिवार को,
सरकारी सुविधा प्रदान किया गया। आप अपना जिला परिचय बताइए ना। भरत कुमार सिंह, पूर्वी सिंहभूम जिला, कांग्रेस कमेटी सचिव। झारखंड के वीर सपूत, देश के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 121वीं पुण्यतिथि पर सिद्धपुर स्थित संडे मार्केट बिरसा नगर टेलको में स्थापित भगवान बिरसा मुंडा के आदमकद प्रतिमा पर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के चर्चित समाज सेवी चंदन यादव एवं पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र की समाज सेविका सपना यादव ने माल्यार्पण श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मौके पर समाज सेवी चंदन यादव ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा जीवन देश की आजादी के लिए आदिवासी समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए लड़ते रहे। उनके द्वारा बताए गए उन्नति की राह पर चलकर हम एक अच्छे विकासशील राज्य की स्थापना कर समाज के अंतिम पायदान पर गुजर बसर करने वाले आदिम जनजाति के लोगों का समाज की मुख्य धारा से जोड़कर इस राज्य का संपूर्ण विकास कर सकते हैं। जमशेदपुर से रिपोर्ट कृष्णा शर्मा। बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे। आज के दिन भगवान बिरसा मुंडा की जो बलिदान है, जो सिर्फ झारखंड के लिए नहीं पूरे हिंदुस्तान में, विश्व में, देश की आजादी के लिए जिस तरीके से अंग्रेजों को, जिस तरीके से उस फिरका परस्त शक्तियों को मार भगाया था, उन्हें अपने चरणों में नहीं हिंदुस्तान की हर माता बहनों के चरणों में नतमस्तक करने का काम किया और एक संदेश देने का काम किया कि हर जोर जुल्म की ठक्कर में हिंदुस्तान का संघर्ष का नारा है और लड़ाई लड़ी और देश को आज़ादी दिलाई। लेकिन ये सिर्फ किताबी बातें पे नहीं रहनी चाहिए, ये उनका जो संदेश था किस तरीका से आदिवासियों पर हो रहे शोषण, किस तरीका से पीछे पंक्तियों के लोगों पे हो रहे शोषण से हमें उसे आज़ाद दिलाना है, उनकी लड़ाई लड़ना है, चाहे वो कोई भी लोग हो। ऐसे भगवान बिरसा मुंडा जी की सिर्फ यादों को ही, उनके तस्वीर को ही किताब के पन्नों पे नहीं रहना चाहिए। युवा इसको, इससे सीखे, समाज सेवी लोग कुछ इस पर सीख कर समाज को एक नई दिशा और दशा देने का काम करे। और चंदन यादव ऐसे भी भ्रष्टाचारियों से लड़ रहा है, फिरका परस्त शक्तियों से लड़ रहा है। आज के दिन हम भगवान बिरसा मुंडा से को नमन करते हुए उनके चरणों में मेरी पूरी टीम नतमस्तक होते हुए प्रण लेते हैं कि हर जोर जुल्म की टक्कर में चंदन यादव का भी संघर्ष का नारा है और हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ते रहेंगे। अगर हमारा कोई भी एक आदिवासी भाई का, अगर पीछे पंती लोग का, परिवार का हक को छीनने का कोई काम करेगा तो चंदन यादव चुप नहीं बैठेगा, राजनीति नहीं करेगा, लड़ाई लड़ेगा, धरातल पर लड़ेगा। मूलभूत सुविधा से जो वंचित आदिवासी भाइयों का खिलवाड़ किया जाता है, उसकी हम मजबूती से हर समय आवाज नहीं, धरातल पर उनकी आवाज बनकर चंदन यादव लड़ाई लड़ेगा। वही जमशेदपुर के सीताराम डेरा आदिवासी एसोसिएशन ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 121वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर आदिवासी एसोसिएशन सीताराम डेरा के अध्यक्ष सोनाराम बोधरा, सूरा बांकीरा, ए तिग्गा, बाबूलाल जारिका, शंकर राव, दुर्गा बानरा, सौरभ खलको, सतीश पूर्ति, विशाल चाकिया, सबनम बारी आदि उपस्थित होकर श्रद्धांजलि कार्यक्रम को सफल बनाया। जमशेदपुर से रिपोर्ट कृष्णा शर्मा। आज भगवान बिरसा मुंडा के शहादत दिवस पर हम सभी उपस्थित होकर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और आज उनका कर्म जो किया उसने, उन्हें हमेशा ही जब तक पृथ्वी में रहेंगे आदिवासी या और भी भारतवासी उसको याद करते रहेंगे। आज के दिन ही हमारे भगवान बिरसा मुंडा ने उनका ध्यान हो गया और आज उनके बनाए रास्ते पर, उनके दिखाए रास्ते पर, दिशा निर्देश तहत जितने भी आदिवासी भाइयों बहन, उनका हम उनका उनके पीछे चलकर हमारे समाज को अग्रणी बनाए और उन्हें याद किया। तब तक लोगों को दिशा निर्देश नहीं देंगे तब तक हमारे पिछड़े भाई आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उनका बताए रास्ते पर आज हम चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। इस तरह भारतवर्ष में जब अंग्रेजों के गुलाम हम लोग थे, उस वक्त उन्होंने अपने झारखंड में भी अपना अस्तित्व कायम किया, उन्होंने झारखंड में अंग्रेजों के साथ लड़ लिया और हमें आज़ादी दिलाई है और हमें आज भी जो है ना, हम
आज़ादी की सांस ले रहे हैं उनका ही बनिस्पत और सांस आदिवासियों के लिए जो उन्होंने कार्य किया है उनके लिए पूरे आदिवासी समाज उनका नमन करते हैं और हमेशा करते रहें। Thank you.